हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल टेक्निकल स्पीक्स। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम वर्डप्रेस को अपने लोकल सिस्टम या पीसी में इंस्टॉल करते हैं, जिसके बाद आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आप कैसे लोकल पे वेबसाइट बना सकते हो वर्डप्रेस के थ्रू। वर्डप्रेस को अपने सिस्टम में इंस्टॉल करने के लिए दो चीज़ों को ध्यान में रखना है। पहला, आपके सिस्टम में जैम भी इंस्टॉल होना चाहिए और दूसरा, आपके सिस्टम में वर्डप्रेस इंस्टॉल होना चाहिए। तो ऐसा है कि जैम के बिना हम वर्डप्रेस को यूज़ नहीं कर सकते। बेसिकली जैम के थ्रू हम पीएचपी के कोड और डेटाबेस को रन करते हैं, और जो हमारा ये वर्डप्रेस है वो पीएचपी एंड MySQL बेस्ड है, मतलब कि वर्डप्रेस पीएचपी को यूज़ करके ही बना हुआ है। तो पीएचपी के कोड को रन करने के लिए जैम इंस्टॉल होना हमारे सिस्टम में ज़रूरी है। मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि कैसे हम अपने विंडोज़ में जैम को इंस्टॉल करते हैं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप पहले एक बार उस वीडियो को चेक कर लें। वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और आई टैब में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, जैम इंस्टॉल कर लेने के बाद हमें यहाँ गूगल में सर्च करना है वर्डप्रेस डाउनलोड। यहाँ पर फ्रेंड्स सिंपली ओपन करें फर्स्ट वाले लिंक को, और यहाँ लेफ्ट साइड में डाउनलोड एंड इंस्टॉल इट योरसेल्फ पे डाउनलोड बटन पे क्लिक करें। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स, हमारा वर्डप्रेस डाउनलोड होना शुरू हो चुका है जिप फाइल में। ये डाउनलोड हो चुका है, तो चलिए इसे ओपन कर लेते हैं। अब ये जिप फाइल है तो पहले से हमें एक्सट्रैक्ट करना होगा। अभी हमारा एक्सट्रैक्ट हो चुका है तो इसे ओपन करते हैं। एक्सट्रैक्ट करने के बाद फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हो कि वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने के लिए जो भी हमें फाइल्स चाहिए वो हमारे पास आ चुके हैं। सिंपली अब इसे हम यहाँ से कर लेते हैं कट, और जाते हैं अपने जैम फोल्डर में जहाँ हमने जैम को इंस्टॉल किया था। तो ये बेसिकली सी ड्राइव में स्टोर होता है, तो सी ड्राइव में सिंपली क्लिक करें STDocs फाइल में, STDocs फोल्डर को ओपन करें और पेस्ट कर दें यहाँ पे वर्डप्रेस फाइल को। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो कि वर्डप्रेस का जो भी रिक्वायर्ड फाइल्स है वो हमारे STDocs फोल्डर के इनसाइड वर्डप्रेस फोल्डर में आ चुके हैं। ये हमारे फाइल्स हैं। तो वर्डप्रेस को रन करने के लिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें अपने जैम को रन करना होगा। तो जैम को रन करने के लिए हमें दो चीज़ों को स्टार्ट करना होता है, अपाची सर्वर और MySQL। तो चलिए इसे स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट कर लेने के बाद फ्रेंड्स, सिंपली हमें जाना है अपने गूगल क्रोम ब्राउज़र पे, और यहाँ पे सर्च करना है localhost/phpMyAdmin। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स, यहाँ पे phpMyAdmin का जो एडमिन पैनल है वो ओपन हो चुका है। तो वर्डप्रेस को अपने लोकल होस्ट पर रन करने के लिए फ्रेंड्स, हमें सबसे पहले डाटाबेस क्रिएट करना होता है। तो चलिए सबसे पहले आप यहाँ डाटाबेस क्रिएट कर लेते हैं टेक्निकल स्पीक्स के नाम से, और क्लिक करते हैं क्रिएट पे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में कि हमारा टेक्निकल स्पीक्स नाम से डाटाबेस क्रिएट हो चुका है। फ्रेंड्स, सिंपली वर्डप्रेस को रन करने के लिए यहाँ सर्च करें localhost/wordpress। यहाँ पे फ्रेंड्स हमें 5 चीज़ों की नीड होती है, नेम, डेटाबेस नेम, यूजर नेम, पासवर्ड, होस्ट एंड टेबल प्रीफिक्स, जो कि हमें आगे नीड होगी। तो चलिए इसे लेट्स गो पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स ध्यान दें कि टेक्निकल जो भी हमने डेटाबेस का नेम क्रिएट किया था phpMyAdmin में, वही यहाँ पे इंटर करें। तो हमने हमारे केस में ऐड किया था टेक्निकल स्पीक्स, तो यहाँ पे सिंपली इंटर कर दे डेटाबेस का नेम टेक्निकल स्पीक्स। यूजर नेम यहाँ आप सेट कर ले रूट। पासवर्ड का जो सेक्शन है उसे आप ब्लैंक रखें। डाटाबेस होस्ट बाय डिफॉल्ट यहाँ पे लोकल होस्ट ही सेट रहेगा, और टेबल प्रीफिक्स में आपको कुछ नहीं करना, WP, देन क्लिक करें सबमिट। फ्रेंड्स, आप देख सकते हो यहाँ पे ऑलमोस्ट हमारा वर्डप्रेस का जो बेसिक सेटअप है वो कंप्लीट हो चुका है। अब सिंपली यहाँ पे क्लिक करें रन द इंस्टॉलेशन। देन यहाँ पर फ्रेंड्स, आपको वेबसाइट जो आप क्रिएट करना चाहते हो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन फिल करनी है, जैसे साइट टाइटल जो है आपका क्या है। तो मैंने अपने केस में यहाँ एंटर कर लिया टेक्निकल स्पीक्स। यूजर नेम फ्रेंड्स बेसिकली वो है, जब भी आप वर्डप्रेस को लॉगिन करोगे तो वो आपसे यूजर नेम और पासवर्ड पूछेगा, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कुछ भी सेट कर लो। मैं अभी के लिए यहाँ पे यूजर नेम एडमिन और पासवर्ड भी एडमिन सेट कर लूँ। पर ये हमसे हमारा ईमेल इंटर करने के लिए बोल रहा है, तो चलिए मैं अपना यहाँ ईमेल इंटर कर देता हूँ। एंड देन सिंपली क्लिक करें इंस्टॉल वर्डप्रेस। फ्रेंड्स, आप देख सकते हो यहाँ पर जो हमारा वर्डप्रेस है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। तो चलिए अब सिंपली हम लॉगिन हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वर्डप्रेस का जो एडमिन पैनल है वो हमारे सामने शो हो रहा है। तो यहाँ पे सिंपली आप विजिट साइट विजिट कर सकते हो कि हमारा वेबसाइट कैसा दिखेगा।
ये आप देख सकते हो यहाँ पर टेक्निकल स्पेक्स जो हमने ऐड किया था साइट नेम वो शो हो रहा है। बाय डिफॉल्ट जो थीम अभी ऐड है हमारे वर्डप्रेस वेबसाइट पे वो शो हो रहा है। एक और बात फ्रेंड्स, अगर आपको वर्डप्रेस लोकल होस्ट पे रन करना है तो मेक श्योर कि ये जो सैम सर्वर का अपाची और माई सिक्वल है वो स्टार्ट होना चाहिए। अगर मैं इसे यहाँ से स्टॉप कर देता हूँ तो लोकल होस्ट वर्डप्रेस भी अब काम नहीं करेगा। रिफ्यूज टू कनेक्ट शो हो रहा है। तो इस तरह से फ्रेंड हम अपने लोकल होस्ट में वर्डप्रेस को रन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसी तरह के नए वीडियोस के लिए बेल आइकन को प्रेस